हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किस तरीके से हम जो है पासवर्ड को सेट करेंगे। तो पासवर्ड सेट करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर फ्रेंड्स हमारे पास इंपॉर्टेंट डेटा है कंप्यूटर में, हम नहीं चाहते कि हमारा वो डेटा जो है किसी के साथ भी शेयर हो, या हम जब तक नहीं चाहते कि कोई और हमारी परमिशन के बिना उस डेटा को एक्सेस कर पाए, तो ऐसे केस में हमें फाइल्स में पासवर्ड लगाना पड़ता है। तो पासवर्ड कैसे लगाते हैं, तो चलिए सीखते हैं। यहाँ पे जो टेक्निक मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बताऊंगा, वो टेक्निक जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर भी वर्क करती है। तो चलिए हम सबसे पहले जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पासवर्ड लगाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्लिक करना होगा फाइल पे। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इन्फो टैब में आपको देखने को मिलेगा प्रोटेक्टेड वर्कबुक, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद आपको बहुत सारे जो है ऑप्शंस जो है आपको देखने को मिलेंगे। हमें कहीं पे क्लिक नहीं करना है, हमें सिर्फ क्लिक करना है इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। अभी आपसे बोल रहा है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कि आप क्या पासवर्ड डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं सपोज़ कीजिए 12345 पासवर्ड जो है डाल देता हूँ। आप पासवर्ड जो है थोड़ा केस सेंसिटिव रखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे खाली एग्जांपल के लिए 12345 डाल रहा हूँ, इसे मैं कर देता हूँ ओके। अब ये दोबारा री एंटर पासवर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं 12345 डाल देता हूँ, अब ओके कर देता हूँ। ओके करने पे अभी जो हमने यहाँ पे पासवर्ड डाला है फ्रेंड्स, ये पासवर्ड डल तो गया है लेकिन अभी ये पासवर्ड एक्टिव नहीं हुआ है। इस पासवर्ड को एक्टिव करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस दबाना पड़ेगा, यानी फाइल्स को दोबारा सेव करना पड़ेगा। जब आप सेव कर देंगे तो पासवर्ड लग जाएगा। अगर आप बिना सेव करे इसको एग्जिट कर देते तो पासवर्ड नहीं लगता। अब मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद ये देखिए पावर पॉइंट में भी आपको जो है फाइल में जाएंगे तो यहाँ दिख जाएगा ऑप्शन, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप फाइल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पासवर्ड का। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपनी एक्सेल फाइल जिसमें हमने पासवर्ड लगाया है। तो इसको हम ओपन करते हैं, तो देखिए अभी ये पासवर्ड मांग रहा है मेरे से। तो ऐसे केस में अगर आपके पास इंपॉर्टेंट डेटा है और कोई अगर इस फाइल को ओपन करता है तो वो पासवर्ड मांगेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा सेफ है टेक्निक है। यहाँ पर मैं पासवर्ड डालता हूँ, मैंने पासवर्ड डाल दिया 12345। अब मैं इसको कर देता हूँ ओके। तो देखिए अब मैं जो हूँ अपने डेटा पे एक्सेस कर पा रहा हूँ। काफ़ी अच्छी टेक्निक है, आप सब इस टेक्निक का यूज़ कीजिए, ठीक है। और अपनी फाइल्स वगैरह में पासवर्ड लगा के जो है अच्छे से यूज़ कीजिए इन सब चीज़ों का। फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।